हाय फ्रेंड्स, टाइम्स क्रिएटर में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब करने व बेल आइकॉन बटन को प्रेस करने पर आपका धन्यवाद। हमारे मन में जब भी कोई काम शुरू करने की बात आती है, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना, एक ब्लॉग लिखना, वेबसाइट बनाना, ऑनलाइन स्टोर बनाना, पॉडकास्ट शुरू करना, या फिर एक शॉप, वर्कशॉप, ट्रेडिंग, सेल्स व मार्केटिंग कंपनी, या फिर कोई भी काम शुरू करना हो, तो हमारे मन में विचारों का तूफान आना स्वाभाविक है। जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि हम कौन सा काम शुरू करें, जिसे करने से भविष्य में हमें अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए ढेर सारा समय और पैसे देने की क्षमता हो। वह साथ ही साथ यह डर लगना भी स्वाभाविक हो जाता है कि कहीं आज लिया हुआ निर्णय अगर कल को गलत साबित हुआ तो मेरे भविष्य का क्या होगा। इसी डर की वजह से बहुत सारे बेहतरीन बिजनेसमैन और बिजनेस वीमेन अपना बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण संसार उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से वंचित रह जाता है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक विचार से होती है। हो सकता है आपके एक आइडिया से दुनिया का स्वरूप ही बदल जाए। जैसे पहिए का निर्माण होने से ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्रांति आई, माइक्रोचिप के निर्माण से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार से इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में अतुलनीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, इंटरनेट के माध्यम से व सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आज वो सभी चीजें और जानकारियां हमें तुरंत उपलब्ध हो सकती है, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो, हमारी पहुंच उन तक संभव हुई है। आज हम आपके उस बिलियन डॉलर विचार को खोजेंगे जिससे एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल को वास्तविक रूप दिया जाए। इसे शुरू करने के लिए कौन सा सेक्टर चुनें और क्या काम या सर्विस शुरू करें ताकि आप अपने बिजनेस से दुनिया की सेवा कर सकें और बदले में हमें अपनी शर्तों पर जीने के लिए बेहतर जीवन व पहले से सुंदर, शांत व सुविधाजनक दुनिया मिल सके। मुझे हमेशा पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। बात दिसंबर 2016 की है। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि पुस्तकें पढ़ने में मुझे ज्यादा समय लगता है व इसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। क्यों न इंटरनेट से बुक्स को ऑडियो बुक के रूप में डाउनलोड कर लिया जाए। जब मैंने सर्च इंजन पर ढूंढना शुरू किया तो मुझे इंग्लिश में तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल गई, लेकिन हिंदी में नहीं मिली। 1 दिसंबर को मैं पूरे दिन यूट्यूब व गूगल पर ऑडियो बुक व उनको बनाने के बारे में खोजता व पढ़ता रहा, और अगले दिन यानी 2 दिसंबर को मैंने अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ऑडियो बुक शुरू किया और अपना डोमेन hindiaudiobook.com खरीदा व ऑडियो बुक बनाने शुरू कर दी। इस विचार की बदौलत आज हमारे साथ लगभग 2 लाख से ज्यादा आप जैसे बेहतरीन इंसान इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया अवसरों से भरी पड़ी है। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि हर सफल बिजनेस संसार में किसी न किसी मूल्यवान प्रोडक्ट या सर्विस उन लोगों को प्रदान करता है जिनको उसकी आवश्यकता है। बिजनेस बनाने का सबसे सरल तरीका है कि आप किसी ऐसे काम को अपने चारों तरफ देखें, महसूस करें और पहचाने जो लोगों को पर्याप्त व आसानी से उपलब्ध न हो, लेकिन लोग उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार हों। अब आप उसी काम, सेवा या प्रोडक्ट को उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाने का तरीका खोजें और काम शुरू करें जिसके बदले में लोग आपको भुगतान करेंगे। इसे ही बिजनेस कहते हैं। आपके प्रोडक्ट या सर्विस का तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे आप उसे किसी भी रूप में पेश कर रहे हों, लेकिन आपका मूल उद्देश्य यह होता है कि आपके काम से दूसरों के जीवन में बेहतर बदलाव आए। बिना किसी वैल्यू क्रिएशन के कोई भी बिजनेस जीवित नहीं रह सकता। लोग आपको तब तक भुगतान नहीं करते जब तक आपके पास उनके लिए कोई मूल्यवान काम या प्रोडक्ट न हो। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अगर आप लोगों के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा प्रदान कर रहे हैं जिसकी लोगों को वास्तव में आवश्यकता है, तो संसार आपको लाइन लगाकर भी एडवांस भुगतान करने के लिए तैयार रहता है। जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वीवो मोबाइल फोन की ऑनलाइन बिक्री, जिसका लोग इंतजार करते रहते हैं। बिजनेस के पार्ट्स। आम भाषा में कहें तो हर बिजनेस एक दोहराने वाली प्रक्रिया होती है, जो लोगों की जरूरत के अनुसार उचित मूल्य की कोई सर्विस या प्रोडक्ट बनाता है वह ग्राहकों की अपेक्षाओं को संतुष्ट करके उतना मुनाफा कमाता है ताकि मालिक उस प्रक्रिया को आगे भी जारी रख सके। द पर्सनल एमबीए पुस्तक में जोश कॉफमैन के अनुसार
बिजनेस के मुख्यतः 5 पार्ट होते हैं, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार। नंबर 2, प्रोडक्ट या सर्विस का निर्माण। नंबर 3, उचित मूल्य पर। नंबर 4, आवश्यकताओं की पूर्ति। नंबर 5, और मुनाफा। अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट को हटा दिया जाए तो बिजनेस चाहे अरबों डॉलर का हो या कुछ सैकड़ों डॉलर का हो, वह एक बिजनेस नहीं रहेगा। जो बिजनेस किसी के लिए वैल्यू क्रिएशन नहीं कर सकता और किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। वह तो मात्र एक असफल शौक ही होता है। कोई भी बिजनेस अगर अपने वादे के अनुसार वैल्यू डिलीवरी नहीं करता तो उसे बिजनेस फ्रॉड कहा जाता है, और अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता तो वह जल्द ही बंद होने वाला है। अतः आप अपना मल्टीमिलियनियर बिजनेस शुरू करने में किसी भी प्रकार की देरी न करें। बताए गए 5 बिजनेस मूल्यों को ध्यान में रखकर अपना बिजनेस मॉडल तैयार करें, ताकि आप अपने इस बेहतरीन विचार से संसार को और बेहतर बना सकें व लोगों के जीवन स्तर में मूल्यवान वृद्धि कर सकें। आपने इतने ध्यान से इस लाइफ चेंजिंग रिकॉर्डिंग को सुना है, यह साबित करता है कि आप एक बेहतरीन बिजनेस बनाने की चाहत व लगन रखते हैं। इसके लिए आप अपने अध्ययन को जारी रखें। आप इस सेशन को timescreator.com वेबसाइट से ऑडियो, वीडियो और PDF ईबुक के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक बिजनेस को बनाने में आर्थिक रूप से वे कौन सी योग्यताएं मूल्यवान होती हैं जो एक सफल बिजनेस के लिए आवश्यक हैं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हाँ, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपके मनपसंद वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। धन्यवाद। timescreator.com आपका दिन शुभ हो।